शिवनी जिले के ग्राम सरडिया में बाल शिक्षा केंद्र का जिला पंचायत सदस्य ठाकुर जयके सिंह, जनपद सदस्य गफ्फार खान की उपस्थिति में हाथों फीता कटवाकर शुभारंभ किया। इस आयोजन में ग्रामवासी और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं सहित महिला बाल विकास के अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र के सुपरवाइजर भी मौजूद रहे। जिला पंचायत सदस्य ठाकुर जयकेश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश में महिलाओं और बाल विकास विभाग द्वारा शिक्षा केंद्रों की शुरुआत करने जा रहा है। चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल शिक्षा केंद्र शुरू किया जा रहा है। हर विकास खंड में एक बाल शिक्षा केंद्र होगा। इसी कड़ी में ग्राम सरड़िया में बाल शिक्षा केंद्र और नर्सरी केंद्र का चयन किया गया है। इन केंद्रों को छोटे बच्चों की रुचि से अनुरूप विकसित किया जाएगा। सिवनी से महफूज खान की रिपोर्ट। इसमें सरकार का उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण बच्चों को जो प्राइवेट स्कूलों में जो आधुनिक शिक्षा मिल रही है वो हमारे ग्रामीण बच्चों को मिले और इनमें सारी सुविधाएं खिलौने कहानियों के माध्यम से बच्चों को बाल शिक्षा केंद्र में शिक्षा मिलेगी ताकि हमारे बच्चे शहर के बच्चे के समकक्ष बन सके। एकमात्र पहला ये सरणिया ग्राम में बनाया गया है, ब्लॉक में बताया जा रहा है। ये प्रत्येक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रत्येक विकास खंड में एक स्कूल, एक बाल शिक्षा केंद्र खोलना था, उसमें ये हमारे खुर्सीपार ग्राम पंचायत के सरणिया ग्राम की आंगनबाड़ी का चयन हुआ। हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।